गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पाठ नंबर 10 निम्ब तदोह साक्ष्यम इसका अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर कराएंगे। सबसे पहले तो आपको इस पाठ के शब्द अर्थ लिख लेने हैं, उसके बाद आप आ जाइए प्रश्न नंबर 2 पर एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है, मनोहरस्य मित्रम कह आसीत। तो मनोहरस्य मित्रम कह आसीत, तो यहाँ कह हटा दिया जाएगा और धर्मचंद लिख दिया जाएगा। मनोहरस्य मित्रम धर्मचंद आसीत। अगला प्रश्न है, तौ अर्जित धनम कुत निक्षिप्त बंतौ। तो इसका आंसर होगा, यहाँ कुत्र हटा दिया जाएगा और लिखा जाएगा, तौ अर्जित धनम वृक्षस्य मूले निक्षिप्त बंतौ। प्रश्न नंबर ख है, मनोहरस्य स्वभाव कीदृशः आसीत। तो यहाँ से कीदृशः हट जाएगा और मनोहरस्य स्वभाव सदलः सत्यनिष्ठश्च आसीत। अगला प्रश्न है, अन्येद्यु सर्वं धनं कः आहृतवान। तो कः हट जाएगा यहाँ और हो जाएगा अन्येद्यु सर्वं धनं धर्मचंदः आहृतवान। अगला प्रश्न है, वृक्ष कोटरे कः आसीत। तो यहाँ कः हट जाएगा और आंसर हो जाएगा इसका, वृक्ष कोटरे धर्मचंदस्य पिता आसीत। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिक् स्थानों की पूर्ति है इसमें। इसमें इस बॉक्स में आपको शब्द दिए गए हैं, इनको आपको इन ब्लैंक्स में भरना है। पहला है, तौ विदेशात धनम डैश नितवंतौ। तो इसमें आएगा दिक् स्थान में अर्जयित्वा, तौ विदेशात धनम अर्जयित्वा नितवंतौ। अगला है, धर्मचंदः अतीव चतुरः डैश आसीत। तो जहाँ डैश है वहाँ आएगा छदम बुद्धिश्च। धर्मचंदः अतीव चतुरः छदम बुद्धिश्च आसीत। अगला है, तत्स्तौ विवदमानौ डैश प्रति गच्छतः। तो इसका होगा, तत्स्तौ विवदमानौ राजानम प्रति गच्छतः। अगला है, निम्ब तदु डैश न वक्ष्यति। तो यहाँ आएगा, निम्ब तदु असत्यम न वक्ष्यति। फिर अगला है बच्चों, स पितरम पुत्रंच कारागारे डैश। तो यहाँ डैश में आएगा निक्षिप्तवान। स पितरम पुत्रंच कारागारे निक्षिप्तवान। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको कारक बताने हैं। पहला है, स ग्रामम गच्छति। ग्रामम, तो ये होगा कर्म कारक। अगला है, तौ विदेशात धनम अर्जयित्वा नितवंतौ। तो ये होगा अपादान कारक। अगला है, स अपरेण सह आगत्य निष्कासयति। तो ये होगा करण कारक। अगला है, द्वौ अपि वृक्षस्य अंतिकम आगन्तवन्तौ। द्वौ अपि, तो इसलिए इसमें संबंध कारक है। अगला है, राजा सैनिकान आदिष्टवान। तो ये है कर्म कारक। अब अंतिम है, सैनिकः वृक्ष कोटरे स्थितम जनम आनीतवन्तः। तो ये है अधिकरण कारक। अब अगला है बच्चों, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। पहला है, धर्मचंदश्च। तो ये होगा धर्मचंदः धन च। फिर है, द्वयो मध्ये, द्वयो प्लस मध्ये। सम उत्सुकानाम। तो सम धन उत्सुकानाम। शुष्केन धनम। तो शुष्क धन इंधनम। अब प्रश्न नंबर 6 को आप छोड़ दीजिए, आ जाइए प्रश्न नंबर 7 पर।
अब आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। एक गांव में दो मित्र रहते थे, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, एकस्मिन ग्रामे द्वे मित्रे प्रवस्तः। अगला है, वे दोनों विदेश से धन अर्जित कर ले आए। तौ विदेशात धनम अर्जयित्वा नितवन्तौ। फिर अगला है, मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था। मनोहर सरल सत्यनिष्ठश्च आसीत। अगला है, सैनिक वृक्ष कोट के कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर ले आए। तो इसका होगा बच्चों अनुवाद, सैनिकः वृक्ष कोटरे स्थितम जनम बहि आनीतवन्तः। अब बच्चों इस तरह से आज का ये पाठ अब समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।